तंपले सारे छिक्का हंस लो। की बोले मामा कच्चे टीले वाले की भई साधु ऐसा चाहिए पहले तो आप सभी साथ संगत का यहाँ निराकार मंदिर पर पहुँचने पर मैं अपनी दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूँ और उस परम पिता परमात्मा से कामना करता हूँ कि आपकी सभी इच्छा पूरी हो और भगवान हर साल यूं ही मेला लगाता रहे। तो एक भजन मेरी बस आई आवाज तो बड़ा हंगा लाया था क्यों क्या वह सही बात है आवाज तो हंगा लाया था सारे काम अरे फिर वहां बतो लेन पकड़ूंगा फिर लागा गेर। तो एक भजन आपके सामने जो आज आप देख रहे हैं इस निराकार मंदिर पे कि यू भजन मैं हर बार गाता हूं लेकिन मेरा मन नहीं भरता। हमारे यहाँ चाबरी गांव है पास में ही जिसमें एक रघुवीर नाम के वाल्मीकि थे जो अब हमारे बीच में नहीं है उन्होंने ये भजन बनाया था। तो एक भजन इस राम जी साहेब का क्या क्या यहाँ बन गया और वो पहले कथ गए उस बात को कैसे
चांद चढ़िया जब निंगा चुगर दे मारी और जगह पवित्र निराकार की यो बन रहा गेट सेवक 100 से 500 से 200 से इन बच्चों के हौसले बजाए कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, उन सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद। तो पहली बात में उस कवि ने क्या बताया, जब तो वो बात वो चीज किसी की सोच में भी नहीं थी कि वह यहाँ ये हो सकता है, और उन्होंने पहले बना दी। कैसे जाके देखा हकति पात्रा चा जगह चौखटी नी बच्चो में बहुत घना लोग तीन गेट बने आन जान के बन रहा काम सोठा यो जा वे निराकार की ही निराकार की सब छोड़ के चेढ़ा चारी Yeah.
ढकी जमाल हुआ रे उचारा दिपटी बृहद खाई सुधामा का जन्म हुआ जिति याद पछली आई याद नगर की सुधा कुंगड़े रूप रहे के प्याही असुरो के ल्या पाड़ा पड़ गया या मुश्किल जान बचाई प्रभु की शरण में चल के आई प्रभु की शरण में चल के आई पण रे लो दासी थारी महाराज जी की एक इनकी तीन